बहता सीवर गंदा पानी बडकल तेरी यही कहानी ये नजर आने लगा है यहाँ पर। 5 साल पहले आज आप 20 सितंबर है लगभग 20 सितंबर 2019 को सड़कों का उद्घाटन किया गया था यहाँ बहुत जोर शोर के साथ और आप 5 साल बाद भी हालात देख सकते हैं कि क्या हालात है। क्या देखते हैं 10 साल में कुछ बदला क्या? कुछ नहीं बदला जी, पहले से सिचुएशन जो पहले बद से बदतर हो गई है। जो उम्मीदें इन्होंने दिखाई थी, जो ख्वाब दिखाए थे, वो सारे मिट्टी में मिल गए। और जो मुझे एक शेर याद आ, शेर बन रहा है मेरे से कि सारी सड़कें गड्ढों से है भरी, गाड़ियां और लोग परेशान हैं कि कहां से निकलें। दिल्ली कॉलोनी का एक सिंपल सा हाल ये है कि यहां पे सड़कों पे पानी है और घरों में पानी नहीं है। ये बड़ी समस्या है फरीदाबाद की, पानी समस्या है, कहीं भर जाता है तो कहीं आता नहीं है। सीवरेज का पानी बाहर आता है, बारिशों का पानी खड़ा रहता है और घर के अंदर पानी नहीं आता है। विधानसभा चुनाव और चुनाव लड़े जाते हैं विकास के मुद्दों पर, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ बडकल विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ विकास सड़कों पर बहता नजर आता है। इस वक्त देखिए मैं सैनिक कॉलोनी में यहाँ पर मौजूद हूँ। सैनिक कॉलोनी बडकल विधानसभा क्षेत्र का सबसे चर्चित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ विकास की स्थिति क्या है? भाजपा की विधायक यहाँ पर रही, 2 कार्यकाल पूरे किए, लेकिन लोगों को चलने लायक सड़क तक नहीं दे पाई। जरा सी बरसात में सड़कों की स्थिति क्या होती है, एक बरसात झेल नहीं पाती है फरीदाबाद की सड़कें। और सैनिक कॉलोनी जिसको पॉश एरिया भी कहा जाता है, लेकिन ये पॉश एरिया किसी स्लम से उस वक्त नजर नहीं आता है जब सड़कों पर सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होता है, जब पानी की समस्या के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जब इसी पॉश एरिया के लोग अपने रोजगार छोड़कर अधिकारियों के दरवाजे खटखटाते हैं, तो फिर आखिर विकास की बात कैसे की जा सकती है? और तमाम ये लोग मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और देखिए सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि कोई व्यक्ति पैदल चलना तो दूर की बात है, अगर कोई अपने व्हीकल से भी जा रहा है तो चोटिल हो सकता है क्योंकि बरसात में गड्ढे नजर नहीं आते हैं यहाँ पर। तमाम ये लोग हैं और क्या कहता है 10 साल का बडकल विधानसभा क्षेत्र का विकास, आइए पूछते हैं इनसे। सबसे पहले हमारे साथ निवर्तमान पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। राकेश जी, स्थिति बहुत ज्यादा बदतर है, सैनिक कॉलोनी का नाम आता है, प्रॉपर्टी के दाम आसमान पर है लेकिन उतने ही नीचे का विकास यहाँ पर है। मैडम मैं बार बार कहता हूँ ये बात कि ख्वाब अच्छे दिनों के दिखाए थे जो देखते देखते लापता हो गए, लोगों को जो सपने दिखाए गए थे, अब जहां आप खड़े हुए सैनिक कॉलोनी, ये फरीदाबाद का पोस्ट सेक्टर है, नहीं समझे ना, यहां से रिवेन्यू भी जाता है, ये फ्लोर्स बन रहे हैं, सरकार पैसा भी एक एक बिल्डिंग से 50-50 लाख रुपए का रिवेन्यू चला जाता है, उसके बावजूद आप हालात देख सकते हैं। 5 साल पहले आज आप 20 सितंबर है लगभग 20 सितंबर 2019 को सड़कों का उद्घाटन किया गया था यहाँ पे बहुत जोर शोर के साथ और आप 5 साल बाद भी हालात देख सकते हैं कि क्या हालात है जी। तो सरकार ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया है कि लोगों को विकास की जरूरत नहीं है। इधर आ जाइए, जाम लग रहा है उधर, बिल्कुल ऊपर से आप देखते हैं उसी नगर निगम में जो ये काम कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं, जो पैसे की जनता का जो पैसा है उसकी लूट भी बदस्तूर जा रही है और विकास कहने की जरूरत नहीं है, आपके समक्ष है सारी बातें। बिल्कुल, लोग नारकीय जीवन जीने पे मजबूर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सतीश मिलानी। सैनिक कॉलोनी में ही रहते हैं आप, क्या देखते हैं 10 साल में कुछ बदला क्या? कुछ नहीं बदला जी, पहले से सिचुएशन जो पहले से बद से बदतर हो गई है। जो उम्मीदें इन्होंने दिखाई थी, जो ख्वाब दिखाए थे, वो सारे मिट्टी में मिल गए। लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होगा, लेकिन इन 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, खासकर सैनिक कॉलोनी में। बल्कि सड़कों की हालत तो पार्षद ने बताई और आप देख भी रहे हैं कि क्या हालत है सड़कों की। कोई स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। कोई मैं रोकना चाहूंगी, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों की स्कूल वैन यहाँ पर जा रही है और स्थिति देखिए, और बहुत ही दर्दनाक घटना हुई जब अंडर पास पर 2 लोगों की जान चली गई, यानी जान इतनी सस्ती हो गई है कि लोगों को खुद ही इंतजाम करने पड़ते हैं कि वो कैसे खुद विकास करें, वो कैसे अपनी जान को बचाएं। सर क्या नाम है आपका? अशोक महाजन। अशोक जी, सैनिक कॉलोनी पॉश एरिया माना जाता है और
यहाँ से जब चुनाव लड़ा जाता है तो यही कहा जाता है कि सैनिक कॉलोनी में बहुत विकास हुआ है, पहले बिल्डर के से ठीक रहा फूटता था लेकिन अब विकास के दावे किए जाते हैं, क्या स्थिति है लगती है आपको? ये पहले माना जाता था पर अब है नहीं। हाँ जी, यहाँ के निवासी जो हैं वो तो 4-5 साल से तो नरक ही भोग रहे हैं, कोई डेवलपमेंट हुई नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राधे श्याम प्रसाद है। किधर रहते हो आप? मैं सैनिक कॉलोनी में ही रहता हूँ, वरावली बिहार में रहता हूँ। समस्याएं बता दीजिए मुझे। समस्याएं तो ये है कि 10 साल बीजेपी के हो गया लेकिन यहाँ पर काम एक भी कुछ भी नहीं हुआ है, सारा उसी तरह पड़ा है और सब बद से बदतर होते जा रहा है, लोग परेशान है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए लेकिन अभी तक ध्यान तो दी नहीं है, चुनाव भी आ गया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कैलाश पंत है। और देखिए सड़कों का हाल, यही हमारे यहाँ पर पानी नहीं आता, कई कई दिनों तक पानी नहीं आता, सीवर बहता रहता है, तो इसको जैसे कि गालिब का एक शेर था कि ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर कितने गड्ढे हैं। गालिब का एक मशहूर शेर था कि सारा जिस्म जख्मों से है भरा, दर्द परेशान है कि कहाँ से उठे। इसी तरह जो मुझे एक शेर याद आ, शेर बन रहा है मेरे से कि सारी सड़कें गड्ढों से है भरी, गाड़ियां और लोग परेशान है कि कहाँ से निकले। तो ये हाल यहाँ पर हुआ पड़ा है। बिल्कुल, देखिए हाल बेहाल है भटकल विधानसभा क्षेत्र की जनता का। हाँ जी भैया। मेरा नाम विनीत है, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ। सैनिक कॉलोनी का एक सिंपल सा हाल ये है कि यहाँ पे सड़कों पे पानी है और घरों में पानी नहीं है। ये बड़ी समस्या है फरीदाबाद की, पानी समस्या है, कहीं भर जाता है तो कहीं आता नहीं है। सीवरेज का पानी बाहर आता है, बारिशों का पानी खड़ा रहता है और घर के अंदर पानी नहीं आता है, तो ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो सरकार को कितने ही सालों से यहाँ पे दिखने रही है और दिखती है तो वो एक्शन लेना नहीं चाहती है। तो यही एक बेसिक सी प्रॉब्लम है जो हर इंसान यहाँ पे चाहता है कि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो। क्या नाम है भैया आपका? रविंद्र है। अच्छा, हम कॉलोनीज में देखते हैं कि बरसात हुई या नहीं भी हुई है, सीवर का पानी किचन में आ जाता है, बहुत ही स्थिति खराब होती है, लोगों के कमरों में प्रवेश कर जाता है, तो यहाँ भी क्या ऐसी स्थिति बनी रहती है? मैम, मैं 1886 में रहता हूँ। मैं आप पहली बात मेरी ये होती है, आप एक बार हमारी गली में जाओ, देखो गली टूटी तो खड्डे तो है ही हैं, सीवर बह रहे हैं, कहने में शर्म आती है कि लैटरिन रोड पे आ रही है, इतनी बदबू आती, बंद वहाँ से निकल नहीं सकते। तो ये हाल है, तो हम सोच के आए थे कि अच्छी कॉलोनी है, चलो यहाँ इनसे रहेंगे, ऐसा करते करेंगे पूरी जिंदगी का जो अपना बचा बचाया था यहाँ लगा दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए और यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनने वेणुका प्रताप यहाँ पर पहुंची है, अर्धांगनी है, जीवन संगनी है, कांग्रेस प्रत्याशी भटकल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के हैं विजय प्रताप, उनके रेवेणुका जी हम देख रहे हैं लोगों की टीस नजर आ रही है, और मुट्ठी भर की कमाई जो पूरी जिंदगी लोग कमाते हैं अपने आशियानों पर लगा देते हैं, लेकिन जब घर से निकलते हैं तो स्लम जैसी फील आती है। क्या लगता है, क्या क्यों कमी रह गई इतनी, 10 साल भी क्या कम पड़ गए विकास के लिए? देखिए मैम, वादे तो यही थे विकास के, आज परिस्थिति ये है कि यहाँ के सैनिक कॉलोनी वासी खुद ब खुद बाहर आ रहे हैं, दुखी होके परेशान होके, आज नहीं कब से आ रहे हैं, और ये वाला जो पानी और सड़क का पैच है, बेशक आप किसी भी गली में चले जाएं, सैनिक में रह रहे हैं तो बात सैनिक की ही करेंगे, त्रस्त हैं यहाँ लोग, और वादे इतने विकास के आज भी हैं, जिन्हें आप चाटुकारिता कह लो, अंधभक्ति कह लो, कुछ भी कह लो, वो कहते हैं कि विकास के कार्य हो रहे हैं और इस क्रम को हमें आगे लेके जाना है। विनुका जी, मैं राजनीति से इतर एक बात करूंगी, क्योंकि आपने यहाँ लोगों की समस्याएं सुनी, और कहते हैं लोग अक्सर अब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो कहते हैं कि चुनाव में लोग आते हैं और वादे करके चले जाते हैं, आपने भी आश्वासन दिया है विजय प्रताप जी की तरफ से, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि समस्याएं आपने सुनी है तो समाधान की उम्मीद भी आपसे कर रहे हैं, विजय प्रताप जी लगातार कह रहे हैं 3 महीने चाहिए उन्हें विधायक बनने के बाद, 3 से 4 महीने में इन समस्याओं का मैक्सिमम समाधान कर देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना आश्वस्त इनको करना चाहेंगे? आश्वस्त तो ये लोग खुद हैं, क्योंकि उन्होंने कार्यकाल पहले भी देख रखा है चौधरी महेंद्र प्रताप जी का, और वही और उससे ज्यादा उम्मीद आप सबको है कि भाई चौधरी विजय प्रताप जी आएंगे और ये कार्य तुरंत से तुरंत उनके स्टार्ट होंगे, तो खुद ही आश्वस्त हैं, वो खुद आगे आए हुए हैं इस काम के लिए, और जब हम तो खुद इन सड़कों पे रह रहे हैं, जिस तरीके से ये मजबूर है इस तरीके से हम मजबूर हैं, जहाँ आज हम खड़े हुए हैं ये 4 नंबर गेट है जो सीधा हमारे गांव की तरफ, गांव नवादा की तरफ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा, अगर हम कहें कि हम अपने सैनिक में नहीं घूम रहे तो हम अपने गांव नहीं जाते होंगे, गांव तो हम जाते ही हैं, आवाजाही हमारी इसी सड़क से ही है जी। और सड़क के हालात आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर एक चीज बताइए, हम कहते हैं हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं, और 21वीं सदी के भारत में सड़क पानी सीवरेज,
इन्हीं से पार नहीं हम कर पाए हैं, हम यही लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे विकसित भारत की कल्पना की जा सकती है? देखो, जब तक कोई दिल से और उसे एक इरादा करके प्रत्याशी जो है, जो बन के उम्मीदवार आएगा, ये सोच ले कि मैंने विकास कार्य करना है, तब तक ये सुधार नहीं होगा। क्योंकि अब हमें जो है विजय प्रताप भाई से ये उम्मीद है कि उनका जो एक विजन है, जो उन्होंने अपना एजेंडे में दिया हुआ है, और लगता है कि ये युवा जो है ये इसके लिए सैनिक लोगों के बहुत कुछ करेगा, इसी उम्मीद के साथ हम इनके साथ जुड़े हैं, क्योंकि जनता की यही भावनाएं हैं कि इनको कामयाब करके इस कॉलोनी का विकास किया जाए। जी वेणुका जी, आप जनसंपर्क अभियान के तहत यहाँ पर आई हैं, लोगों की समस्याएं सुनी और बहुत अच्छी पंजाबी बोल लेती हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक बार अपील कर दें आप अपनी पंजाबी भाषा में लोगों से कि 5 अक्टूबर को कैसे अपना मतदाता धर्म निभाएं। जी जरूर, पर उससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, कहूँ तो मैं वो पंजाबी में ही कह देती हूँ। हाल तो है तो वो बड़ी दुखद बात, जिस तरीके से अभी पानी में डूब के यहाँ पे 2 शख्स हमारे बीच के भाई जिनकी डेथ हुई बारिश के पानी से, राधर, वो प्रशासन की ही कहीं ना कहीं कमी थी। वहां पे जो हुए हैं, यहाँ पे भी ऐसा हादसा हो चुका है पिछले हफ्ता पहले, बारिश का पानी था। जी बिल्कुल, एक शख्स की बिल्कुल गली हुई बॉडी मिली, क्योंकि वो इतने गहरे गड्ढे हैं और सोचो वो सड़क में, और वो गिरे हुए थे, पहचान करनी बड़ी मुश्किल हुई उनकी, जैसे तैसे उनकी पहचान की गई, और लगातार इतनी बारिश थी, यहाँ के लोगों ने खुद ने मिलकर सारा ये काम का बीड़ा उठाया, सब कुछ किया, प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली, आखिर पहचान हुई। अब आप ये सोचिए कि एक घर से बच्चों के सर से पिता का साया और घर का मुखिया उठ गया, पर इस पे भी कोई गौर नहीं है, इस बात को भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि गलती हमारी नहीं थी, दूसरे विभाग की थी। और सबसे अच्छी और जो उम्दा बात इस सरकार की है वो ये कहते हैं कि जी मंत्री जी के यहाँ के हमने कार्य करवा दी, सड़कें बनवा दी, वो कार्य आप दिखा दें। पहली बात तो ये मंत्री जी का कोई पर्सनल काम नहीं है, कुछ नहीं है, ये आप लोगों का फर्ज ही है काम करना, अगर आप सरकार में कर, हम आते हैं तो ये हमारी ड्यूटी बनती है ये सब कार्य करने की, लेकिन इन्हीं चीजों को उल्लेखनीय किया जाता है, बताया जाता है, और इतने बुलंद तरीके से बताया जाता है कि मतलब हमने क्या कर डाला और क्या कर डालेंगे, जो 10 साल में ये हाल है तो और जनता से इनको कितना समय चाहिए इस कार्य के लिए। बिल्कुल, और देखिए, हाँ जी पुरजोर, हाँ जी यहाँ हमारे साथ ये तो बहुत ही सक्रिय रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, पार्षद साथ तब हमारे सारे सब बीच में रहते हैं, सबके रोजमर्रा की समस्याएं सुनते भी हैं, सुनने के बाद गुजर रहे हैं, सब सब यहीं के रिहायशी हैं, यहीं के सब ओनर्स हैं, तो आप इनसे भी पूछिए, ये भी आपको यहाँ के बारे में बड़ी सटीकता से बताएंगे। राजू जी, हमने देखा FMDA कार्यालय में आप गए, नगर निगम अधिकारियों के दरवाजे आप गए, लेकिन जो एटीट्यूड नजर आता है अधिकारियों का, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि इतनी पब्लिक उठकर आई है तो शायद हमारी कोई जिम्मेवारी, हमारी कोई जवाबदेही बनती है। 10 सालों में आपको लगता है कि अफसरशाही का ये रवैया इस विकास की बजाय विनाश के लिए ज्यादा जिम्मेदार है? नमस्कार मैडम। मैडम बेसिकली अफसरों का आप देख चुके हैं नगर निगम में, जो हमारे योग्य अफसर थे, अफसर रहे हैं, वो सब अफसर करप्शन के केस में अरेस्ट हुए हैं, आज वो जमानत में हैं। तो अफसर आज की डेट में शहर की डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सोच रहे हैं, वो तो उनका नेताओं के साथ मिलके एक एनेक्सेस बना हुआ है कि डेवलपमेंट के पैसे को बगैर डेवलपमेंट किए कैसे खाना है। तो हमारे जो डेवलपमेंट के पैसे हैं, क्योंकि पब्लिक, अब हमारे यहाँ सरकार ने एक फ्लोर सिस्टम लागू किया, 150 गज के फ्लोर के ऊपर लगभग 50 लाख रुपए सरकार को जाते हैं। आप देख रहे हैं, आप जहाँ खड़े हैं यहाँ चारों तरफ फ्लोर बने हुए हैं, तो इसी एक सड़क से जहाँ पे लगभग कोई 20 या 25 मकान होंगे, लगभग सरकार के खाते में करोड़ों रुपए जा चुका है, लेकिन यहाँ के लोग करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी एक सड़क के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। तो अफसरों का तो ये है उनका कि उन्होंने एक एस्टीमेट बनाना है, एस्टीमेट बगैर काम के उसका बिल पास करना है और अपने खातों में ले लेना है। तो अफसर तो आज की डेट में सरकार से गठजोड़ होके, नेताओं से गठजोड़ होके, जो डेवलपमेंट का पैसा है, जो पब्लिक से लिया जा रहा है, उस पैसे का बगैर काम के बिल बना के अपने खातों में उन पैसों को ट्रांसफर कर रहे हैं, और इसके लिए वो अरेस्ट भी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ा आरोप लगाया है कि अफसर जो है विकास की बजाय निजी हित के लिए अफसर तलाशते हुए नजर आ रहे हैं, और अब पब्लिक ये कहने लगी है कि विकास दोगे तो ही वोट मिलेगा, और अब भाजपा की सरकार जो है 10 साल से है, भाजपा विधायक 10 साल से है, लेकिन विकास
सैनिक कॉलोनी में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप खुद कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि विकास की स्थिति क्या है। बहता सीवर, गंदा पानी, बडकल तेरी, यही कहानी ये नजर आने लगा है यहाँ पर। और अब देखना ये होगा कि 5 अक्टूबर को विकास के किस वादे पर विश्वास जताते हुए मतदाता बडकल विधानसभा क्षेत्र में अपनी वोट की ताकत दिखाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।